आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के हरियाणा स्थित करनाल में किसानों के ऊपर किए गए लाठी चार्ज में एक किसान की मौत सहित कई किसानों के घायल होने से आक्रोशित रीवा के किसानों ने आज हरियाणा के सीएम सहित एसडीएम के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि मोर्चा के पदाधिकारी व किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं एसडीएम आयुष सिन्हा सहित अन्य दोषियों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपा गया है। किसानों का कहना था कि विगत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा को प्रभाव में लेकर टोल प्लाजा पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस से जानलेवा हमला कराया, जिसके चलते किसान सुशील काजल की मौत हो गई तथा सैकड़ों किसानों को गंभीर चोटें आई, जो आज भी मरणासन्न हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। हरियाणा लाठीचार्ज से गुस्साए रीवा के किसानों ने कहा कि देश एवं प्रदेश की भाजपाई सरकारी क्रूर एवं तानाशाह हो गई है, जिनके द्वारा गांधीवादी तरीके से आंदोलित किसानों के ऊपर जानलेवा हमला कराया जा रहा है और इसलिए रीवा के किसान इन क्रूर सरकारों से अपनी जान बचाने हेलमेट पहनकर ज्ञापन सौंपने आए हैं।